वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हम पढ़ रहे थे उसकी आज लास्ट क्लास है। इसके बाद फिर आपके बीकॉम ऑनर्स ओरिएंटेड आपको जो है कंटेंट नेक्स्ट क्लासेस से और वो सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे हम। लेकिन आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स की लास्ट क्लास है जिसमें कि आप अच्छे से फेमिलियर हो चुके होंगे कार्ड से रिलेटेड, कॉइन से रिलेटेड और अदर क्वेश्चन से रिलेटेड। आइए क्वेश्चन के, टू कस्टमर श्याम्स एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक ट्यूजडे टू थर्सडे। तो बच्चे ट्यूजडे से थर्सडे आप जाते हैं, ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे ट्यूजडे टू सैटरडे, ठीक है। ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, क्यों फाइव डेज हैं। इस फाइव डेज में से आपके दो लोग हैं, एक श्याम है और एक एकता है, ये जो है ये विजिट करती हैं, ठीक है। और आपसे ये कह रहे कि आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन अ सेम वीक। अब मुझे नहीं पता कि भैया इस वीक में ट्यूसडे शनिवार में एकता कभी भी आ सकती है, हो सकता है ट्यूसडे को भी आ सकती है एकता, वेडनेसडे को भी आ सकती है, थर्सडे को भी आ सकती है, फ्राइडे को भी आ सकती है, सैटरडे को भी आ सकती है। और इसी तरीके से शाम जो है वो भी इन फाइव डेज में से कभी भी आ सकते हैं, क्लियर है बच्चे। तो एकता के पास में भी है कि पांच दिन में से किसी भी दिन आ सकती हैं और शाम का भी है कि पांच दिन में से किसी भी दिन आ सकती हैं। विजिटिंग पर्टिकुलर शॉप इन सेम वीक ट्यूजडे सैटरडे ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डेज ऑन द अदर डेज, व्हाट इज द प्रायोरिटी दैट बोथ विल विजिट। अब बात दोनों की कर रहे हैं तो दोनों के कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे उसको देख लो। फर्स्ट पहले मैं ले रहा हूं ट्यूसडे से, एक ट्यूसडे क्लियर है, और सेकंड दूसरी भी मे बी पॉसिबिलिटी ट्यूसडे को आ जाए, एक ट्यूसडे को और दूसरा हो सकता है वेडनेसडे को आए, एक ट्यूसडे को दूसरा हो सकता है थर्सडे को आए, एक ट्यूसडे दूसरा हो सकता है फ्राइडे आ जाए, एक ट्यूसडे दूसरा हो सकता है सैटरडे आ जाए, क्लियर है बच्चे। ये पॉसिबिलिटीज है। ये भी हो सकता है कि एक जो है वो वेडनेसडे एंड सेकेंड ट्यूसडे, एक वेडनेसडे दूसरा ही वेडनेसडे, एक वेडनेसडे दूसरा थर्सडे और एक वेडनेसडे दूसरा फ्राइडे, एक वेडनेसडे दूसरा सैटरडे, ये भी हो सकता है, क्लियर है बच्चे, क्लियर है। तो जो है फर्स्ट जो है पॉसिबिलिटीज है लाइक पहले वाले जो है वो मैं शाम है, सेकेंड एकता है। तो हो सकता है कि भैया शाम एकता, अब बोलोगे सर दोनों सेम ही तो नहीं है, यहाँ पे शाम ट्यूसडे आ रही है एकता वेडनेसडे, यहाँ पर शाम वेडनेसडे आ रहा है एकता ट्यूसडे आ रही है, ठीक है बच्चे। तो इसी तरीके से थर्सडे लेते हैं, थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे दूसरा फ्राइडे, क्लियर है बच्चे। शाम थर्सडे हो सकता है एकता सैटरडे, इसी तरीके से शाम फ्राइडे एकता ट्यूसडे, शाम फ्राइडे एकता वेडनेसडे, शाम फ्राइडे एकता थर्सडे, शाम फ्राइडे और एकता फ्राइडे, शाम फ्राइडे एंड सैटरडे, क्लियर है बच्चे। इसी तरीके से शाम सैटरडे एंड ट्यूसडे, सैटरडे एंड वेडनेसडे, सैटरडे एंड थर्सडे, सैटरडे एंड फ्राइडे, सैटरडे एंड सैटरडे, ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। कुछ बात समझने को और सीखने को आपको मिलनी चाहिए। लाइक मैं एक डाइस पे कुल छः चीज़ें आ सकती थी, दूसरी पे भी छः आ सकती थी, जब दोनों को साथ में लेकर आ रहा हूँ दोनों में कितने बनेंगे, तो मैं मल्टीप्लाई करके टोटल 36 चांसेस, टोटल फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स बने थे। एक कॉइनेस में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं टोटल, दूसरे में भी दो हैं, दोनों को टॉस करोगे तो कितने बनेंगे, चार टोटल। इसी तरीके से एक के पास में दो हैं, अगले टॉस अगले कॉइन पे भी दो हैं, अगले कॉइन पे भी दो है, तीनों करोगे तो कितने बनेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं ना, आठ, क्लियर है बच्चे। इसी तरीके से आपने ये पढ़ा कि यहाँ पर फाइव डेज में कभी भी आ सकते हैं, फाइव डेज में वो भी कभी आ सकते हैं, तो कितने दोनों के बनेंगे, 25। ये बात समझ में आया बच्चे। तो अब आपको पता लग गया कि हम कब मल्टीप्लाई करते हैं, ये बेसिक आगे करेंगे, तो आप पैनिक मत होना कि सर आप ये क्या कर रहे हो एकदम से। आइए अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ अपने, फर्स्ट सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन,
टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या आएगा, पूजा मेरे पास में तो कोई मैसेज नहीं आया है आपका रिकॉर्डेड लेक्चर का, बताओ कौन सा मैसेज आए। आज चेक कर लूंगा आपके डाउट्स, आज चेक कर लूंगा मैं आपके डाउट्स, ठीक है, सबका ऑन द स्पॉट आप रिप्लाई दूंगा, ठीक है, मैं आज चेक कर लेता हूँ सबको, फिर रिप्लाई मिल जाएगा, देख लो। बच्चे टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास में, 5 into, तो टोटल काउंट कर लो आप, तो 5 है एक के, दूसरे के पास में 5 है, तो टोटल 25 है। अब फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट का आंसर ये तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट द सेम डे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम डे। तो बच्चे फेवरेबल आउटकम दोनों एक ही दिन आ जाएं, तो ये पॉसिबिलिटीज है दोनों के दिन आने की, दिस वन दोनों सेम डे आ जाए तो इतनी संभावनाएं हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 5 है, आउट ऑफ 25 इक्वल्स टू 1/5 हो गया, क्लियर है। दोनों के सेम डे आने की संभावना, दोनों के डिफरेंट डेज, तो आप सिंपल सी है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज, तो दोनों के एक दिन आने की 1/5 है, तो टोटल 1 होती है पॉसिबिलिटी, उसमें से 7 में आने की इतनी है, तो 7 में नहीं आने की, सेम चीज की ना होने की पॉसिबिलिटी 1 में से माइनस कर दो, 4/5 है। सेकंड क्या है, कॉन्सिक्यूटिव डेज, कॉन्सिक्यूटिव डेज मतलब कि बैक टू बैक, एक दिन ही आया तो जस्ट नेक्स्ट डे कोई और आ गया, तो कॉन्सिक्यूटिव डेज कहते हैं उसको। सेकेंड का आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्यूटिव डेज, ठीक है बच्चे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्यूटिव डेज क्या है आपके पास में, फर्स्ट ऑफ ऑल एक दिन वो नेक्स्ट डे वो, जैसे कि ट्यूसडे वेडनेसडे, ये है दिस वन, एंड इसमें तो कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, गैप है, एंड ट्यूसडे सैटरडे, ट्यूसडे फ्राइडे गैप है, वेडनेसडे ट्यूसडे दिस वन, बैक टू बैक है, कॉन्सिक्यूटिव डेज है, वेडनेसडे थर्सडे दिस वन, गैप है थर्सडे एंड ट्यूसडे, गैप है थर्सडे एंड वेडनेसडे दिस वन, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये हो गया। उसी तरीके से आपके पास से फ्राइडे एंड ट्यूसडे गैप है, फ्राइडे एंड वेडनेसडे गैप है, फ्राइडे एंड थर्सडे कॉन्सिक्यूटिव डेज है, फ्राइडे एंड सैटरडे कॉन्सिक्यूटिव डेज है, सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे वेडनेसडे, सैटरडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे कॉन्सिक्यूटिव डेज है, कितने होंगे आपके पास में, 4, 8, तो फेवरेबल आउटकम 8 out of 25, क्लियर है बच्चे। तो समझ में आया आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपने, अ डाइस इज नंबर्ड इन अ सच अ वे दैट इज द फेसेस शो द दिस वन, एक डाइस है, दो डाइस है, सेम डाइस है दिस वन, बट उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी नंबरिंग नहीं डली हुई है, नंबरिंग डली हुई है 1, 2, 2, 3, 3 and 6, इस टाइप की जो है वहां पे नंबर डाले गए, एक डाइस पे दूसरे डाइस पे भी वही सेम नंबर है। तो वही है कि हमने डाइस वाले क्वेश्चन करे तो कितनी पॉसिबिलिटी आ सकती है, तो इनकी सम की बात करते हैं, लाइक एक डाइस के नंबर क्या है, नंबर इन द फर्स्ट थ्रो दिस एंड नंबर इन द सेकंड थ्रो पे, सेम नंबर वही है, वही डाइस है, तो इनके सम करके बता रहा है कि यहाँ पे क्या करके बता रहे हैं, सम करके बता रहा है, लाइक 1 के साथ में अगर उस पे भी 1 आ जाए तो 2 आ जाएगा, 1 के साथ में उसका 2 आ जाए 3 आ जाएगा, 1 के साथ में अगर उसका 2 आ जाए तो 3 आएगा, 1 के साथ में उसका 3 आ जाए, 1 के साथ में उसका 3 आ जाए, 1 के साथ में उसका दिस वन, तो टेबल फॉलो करनी है आपको, लाइक इस पे अगर 2 है उसका साथ में उसका 1 आ जाए सेम बनेगा, 3, 4, 5, 8, ठीक है बच्चे।
अब थ्री के साथ में उसका इसका थ्री उसका वन आ जाए तो सम बन जाएगा फोर, इसका थ्री उसका टू आ जाए तो बन जाएगा फाइव, इसका थ्री उसका टू आ जाए तो बन जाएगा फाइव, इसका थ्री उसका थ्री आ जाए बन जाएगा सिक्स, इसका थ्री उसका थ्री बन जाएगा सिक्स, इसका थ्री उसका सिक्स बन जाएगा सम नाइन। सेम इसका थ्री उसका वन बन जाएगा फोर, इसका थ्री उसका टू बन जाएगा थ्री है सेम है फाइव सिक्स सिक्स नाइन। क्लियर है बच्चे? अब आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे, इवन सम क्या आना चाहिए आपका, इवन आना चाहिए। तो सम इवन कहाँ कहाँ पर है, सम जो आपका है ये सम वाले कॉलम बीच के हैं, ये दिस वन ये है सम वाले, इवन एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह, तो सम इवन आए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, तो टोटल आउटकम्स आपके पास में कितने रहेंगे 36। क्लियर है बच्चे? टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास में 36, वन के साथ वन, टू के साथ में टू। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? टू के साथ में वन, फिर टू के साथ में वन, तो टोटल आउटकम्स आपके पास में कितने 18 है, टोटल आउटकम्स कितने 36 इक्वल्स टू 1/2। नेक्स्ट सम क्या आ जाए, सिक्स आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम क्या आ जाए सिक्स आ जाए। सिक्स किस केस में आ रहा है आपका, दिस वन नहीं आ रहा सिक्स, यहाँ पे भी नहीं आया सिक्स, यहाँ पर भी नहीं आया सिक्स, यहाँ एक दो तीन चार बस फोर टाइम्स, तो 4/36 इक्वल्स टू 1/9 एंड एटलीस्ट सिक्स। सम एटलीस्ट सिक्स का मतलब क्या हो गया, कम से कम छः आए तो छः और छः से ज़्यादा सम वाला वो भी लेना है। एटलीस्ट सिक्स का मतलब हो गया कम से कम छः हो तो मतलब उससे ज़्यादा वाला भी कंसिडर करना है, तो एटलीस्ट सिक्स, तो एटलीस्ट सिक्स में छः उससे अबव दिस वन, एक सिक्स या उससे अबव दिस वन, 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 सम सिक्स या उससे अबव दिस वन। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। ठीक है बच्चे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट सिक्स सम 15/36। क्या पूछ रहे हैं? बता देता हूं आपको, ठीक है ना, सबका ही हो जाएगा। ये समझ आए बच्चे क्वेश्चन? ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। फाइव बाय ट्वेल्व